नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त पीयूष सिंह के साथ। दोस्तों, राजीव कुरैशी एक ऐसा महाठग जिसकी वजह से आज हजारों परिवार आज अपने आप को सड़क पे महसूस कर रहा है, दाने दाने को मोहताज है। एक ऑडियो क्लिप हमारे पास आया है, हमारे हाथ लगी है, जिसमें राजीव कुरैशी और उनका एक एजेंट है दिलीप, दिलीप की सिस्टर से बातचीत हो रही है, जिसमें यह कह रहा है कि मैं 10-15 लाख रुपए बांटने के लिए कहा था और बाकी के 5-7 लाख रुपए दबा लो। राजीव कुरैशी खुद कह रहा है कि 5-7 लाख रुपए दबाने को उसने कहा था, यानी कि जो एक बड़े पैमाने पे फ्रॉड किया गया है उसमें कहीं ना कहीं पहले से ही इनकी मंशा थी, पहले से इनका इरादा था कि आधे पैसे दबा लेना है, आधे पैसे का गेम खेलना है, और जिसका जीता जागता प्रमाण हमारे पास है। हमारे बच्चों को 25 लाख रुपए दिया, मैंने क्या बोला 10-15 लाख रुपए बांटो रे, 5-7 लाख रुपए अपने पास में दबा लो। तुम्हारे आदमी को जाने से पहले 4.5 लाख रुपए का, 2.5-3 लाख रुपए का सोना दिया, 1.5 लाख रुपए कैश दिया। हाँ ठीक है, तुम्हारा अरेस्ट हुआ, अभी ये सब केस कटा नहीं तो पूरा ये कर दी ना, लोगों को दे दी ना, होती है नहीं होती, कुछ भी तो नहीं है उनके कने, खादी पीली तो आए, वो पैसे भी नहीं है ना उनके कने। बातचीत में राजीव कुरैशी कह रहा है कि शक्ल से बच्चा हूँ मैं, पर हूँ नहीं मैं, मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी जवान को जवान नहीं होने दूंगा और वो भी नहीं लूंगा, मैं शक्ल से जरूर उम्र से बच्चा हूँ लेकिन अकल से बच्चा नहीं हूँ। अरे कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, मेरे नाम की कीमत ज्यादा है, करोड़ों रुपए बर्बाद भी हो गए ना। हाँ। चलता है मेरे नाम वो करोड़ों रुपए से ज्यादा बड़ा है। हाँ। मैं क्या बोला, एक दिन हिंदुस्तान का राजा हूँ मैं। यानी कि जो खुद फरार है, जिनके पिताजी जेल जाकर आ चुके हैं, जिनका परिवार तबाह है और जिसकी वजह से हजारों परिवार बेघर हो चुके हैं, अपने आप को हिंदुस्तान का राजा बताता है। सोचिए कि क्या अपने आप में वो किस शख्सियत है, क्या व्यक्तित्व है, किस तरीके का इतना बड़ा ठग है कि अपने आप को आज भी बोलता है कि मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि राजीव कुरैशी का एक बर्थडे पार्टी है, जिसमें केक के बगल के बगल में टेबल पे एक पुड़िया रखा हुआ है, एक पैकेट रखा हुआ है, जिसमें MD ड्रग बताया जा रहा है जिसे, और इसका प्रमाण यहाँ पे सिद्ध होता है कि इस ऑडियो क्लिप में राजीव कुरैशी खुद यह कबूल करता है कि MD की नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया, लाखों रुपए के MD की नशा ये और इनके एजेंट इनके लोग किया करते थे, जिसकी वजह से वो बर्बाद हो गया, ऐसा वो खुद कबूल करता है। मालूम है क्या, ये MD नाम का जो नशा है इसने मेरा धंधा बर्बाद करा है, मेरे पूरे एजेंटों को MD खाने की आदत लग गई थी, मैं बता रहा हूँ तुमको, MD खाने के नशे ने बर्बाद करा, सही बोल रहे हो। दोस्तों, ये लगभग आधे से पौन घंटे की बातचीत है ऑडियो क्लिप, इसलिए हम आपको पूरा नहीं बता रहे, लेकिन जो मुख्य मुद्दे हैं वो हम आप तक लेकर आ रहे हैं। इस बातचीत में जब दिलीप की बहन राजीव कुरैशी से बातचीत कर रही है, बातचीत होते होते आखिरी के कुछ मिनटों में दिलीप की वाइफ, एजेंट दिलीप की पत्नी, वो फ़ोन ले लेती है, रोने लगती है, बात करती है, और क्या बातचीत करती है वो हम आपको बताते हैं। हेलो जान, मैं क्या बोली, मेरी बात सुनो, मैं कब तक की भाई बहन रहूं, बोली मेरे को धमकी दे रहे, मेरे बच्चे नहीं, मेरे आदमी नहीं, मैं कहां जाऊं बता तू। मैं क्या बोल रहा हूं, देखो भाभी तुम भी छोटा करो मत, देखो तुम्हारे बच्चे जहां पे भी है, सलामत है, जैसे भी है, मैं सबको सलामत रखूंगा, तुमने दिल छोटा नहीं करना, इतने सारे सब पैसे पानी है, ये किसी के अपन रोकेंगे नहीं, खर्च पानी की टेंशन नहीं है, मैं कुछ मन में मैं क्या बोल रहा हूँ, भाभी मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम दिल बड़ा रखो, मैंने क्या दिलीप भाई को, मेरे को क्या दिलीप भाई से पूरी क्या बोल रहा हूँ, दिलीप भाई से मैं मोहब्बत आज भी करता हूँ, मेरे जवाब भी फंसे हुए ना, उनके भी ताने मारे ना, कुछ के कुछ बोल रहे, मुस्कान के आदमी भी फंस गए वहाँ पे, वो भी झगड़े हो रहे, वहाँ लड़ाई हो रही, क्या करूँ मैं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा मेरे। दोस्तों, इंसान की जब जिंदगी खराब होती तो बोलते हैं कि जानवर जैसी जिंदगी हो गई, लेकिन जानवर से भी अगर किसी की जिंदगी खराब हो गई तो वो हजारों लोग हैं, हजारों परिवार है जो राजीव कुरैशी की एक का डबल के स्कीम में फंस चुके हैं और उनकी जिंदगी आज बद से बदतर हो गई, यानी कि जानवर से भी खराब हो चुकी है। हमने सुना था एजेंट विनोद के बारे में, लेकिन ये कहानी और आज की रिकॉर्डिंग, आज की क्लिप राजीव कुरैशी का एजेंट दिलीप के बारे में था। आने वाले अगले एपिसोड में अन्य कई खुलासे हम आप तक करेंगे, आप देखते रहें आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे।